नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या चीज़ है जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव बना देती है, स्ट्रेसफुल बना देती है, ट्रॉमेटिक बना देती है। हमारा जो बचपन का एक्सपीरियंस है वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाता है और उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ में पड़ता है। वो एक्सपीरियंसेस क्या है, वो कौन से कारक हैं जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव बना देते हैं, स्ट्रेसफुल बना देते हैं, पेनफुल बना देते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला जो कारक है, सबसे पहले जो फैक्टर है जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेसफुल बनाता है, नेगेटिव बनाता है, वह है अब्यूज, नेग्लेक्ट एंड पार्शियलिटी। अब्यूज का अर्थ शोषण, वो इमोशनल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, वो सोशल अब्यूज हो, किसी भी रूप से। शोषण का मीनिंग है कि हम किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम किसको एक्सप्लॉइट करते हैं, हम जिसके रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी केयर नहीं करते हैं। किसी को अब्यूज करने का अर्थ है, उसका शोषण करने का अर्थ है, वो किसी भी स्तर का शोषण हो, शोषण करने का अर्थ है कि हम उसकी इंडिविजुअलिटी के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे चाहें ऐसे इसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और इसका असर बच्चों के साथ जब इस तरह का व्यवहार होता है तो इसका ये स्ट्रेस, ये ट्रॉमा, ये पेन लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर जब तक कि उसको प्रॉपरली साइकोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू उसको हैंडल नहीं किया जाए तो ये एक पेन, लाइफ लॉन्ग एक पेन बना रहता। तो अब्यूज एक बहुत ऐसा चीज है जो हमारे एक्सपीरियंस को, बच्चों के एक्सपीरियंस को नेगेटिव बना देता है। ये अब्यूज घर में भी हो सकता है, इस तरह का अब्यूज स्कूल में भी हो सकता है। बच्चों के लिए ये दो इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली और स्कूल, यही दो उनकी दुनिया है। छोटे बच्चे हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकेंड से लेकर 11th 12th तक के बच्चे। तो ये अब्यूज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे के साथ कोई किसी भी रूप में कोई अब्यूज तो नहीं हो रहा है। अगर ये अब्यूज हो रहा है तो हमारे बच्चे की सारी क्षमताओं को ये खा देगा, ये हमारे बच्चे की लाइफ को बहुत बहुत पेनफुल बना देगा। इसलिए इस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ इस बात को, अब्यूज। एंड दूसरा है इसी के साथ नेग्लेक्ट। हम इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं बच्चे को, वो घर में हो या स्कूल में हो। अगर हम जो नेग्लेक्ट करते हैं दैट गिव्स अ बिग पेन, ये बहुत बड़ा कष्ट देता है। हम किसी को, हमने हो सकता है कि किसी को, एक बच्चे को हमने गिफ्ट दिया, दूसरे को नहीं दिया। वो सब छोटा टॉफी की बात हो, एक बच्चे को हमने टॉफी दी, दूसरे बच्चे को नहीं दी। घर में हो सकता है कि एक बच्चे को हम कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो इतना ज्यादा हर्ट करता है, इट गिव्स अस अ पेन कि हम स्ट्रेस में रहता है बच्चा। बच्चा बहुत स्ट्रेस में रहता है, बच्चा बहुत पेन में रहता है और ये ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग इसका असर पड़ता है, पूरी जिंदगी भर इसका असर पड़ता है। तो नेग्लेक्ट नहीं करना है बच्चे को किसी भी रूप में। ये बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपने बच्चे का केयर बेटर करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, घर में या स्कूल में बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं नेग्लेक्ट हो रहा है कोई भी चीज़ में, वो चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में हो, गेम्स हो, पढ़ाई लिखाई हो और कोई एक्टिविटीज हो, तो बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं होने देना है ऐसा, इसका बहुत ध्यान रखना है। थर्ड है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का अर्थ है इनजस्टिस, पार्शियलिटी तरफदारी। मुझे लगा कि मैं इस बच्चे के साथ, मैंने कोई संतरा काटा और एक संतरा, एक सेब काटा मैंने, और एक को मैंने बड़ा पीस दे दिया, एक को छोटा पीस दे दिया। मेरे घर में दो बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा है, एक मेरे सिस्टर का बच्चा है, मेरे भाई का बच्चा है, मेरे कजन का बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, दो बच्चे साथ बैठे हैं। मैंने सेब काटा, अपने बच्चे को बड़ा पीस दे दिया और उस बच्चे को छोटा पीस दे दिया। पार्शियलिटी, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, इनइक्वल ट्रीटमेंट। तो ये पार्शियलिटी वैसी, वो कहीं, ये पार्शियलिटी कहीं भी हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, घर में हो सकती है। हम कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, किसी सिलेक्शन में हमें लग रहा है, हमने ऐसे कोई क्राइटेरिया बना दिए हैं जो अपने हिसाब से, हमने क्राइटेरिया के पीछे जो यूनिवर्सल, जो वैलिड रीजंस हैं कोई चीज़ के, हमने रूल बना दिए कि हम इस चीज़ के लिए ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वो वैलिड रीजन नहीं है, वैलिड कारण नहीं है उसमें, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक तरह की पार्शियलिटी है अपने आप में। तो वो एक पार्शियलिटी, अगेन वो भी एक पार्शियलिटी है। किसी भी रूप में जहां पर इनजस्टिस हो रहा है वो पार्शियलिटी है, जहां पर अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है वो पार्शियलिटी है। ये तीन शब्द, अब्यूज, देन नेग्लेक्ट
और पार्शलिटी, ये जो बच्चे इनको फेस करते हैं बचपन में, इसका असर लाइफ लॉन्ग ये असर जिंदगी भर रहता है और ये बच्चे की उड़ान को इस हद तक रोक देता है कि बच्चे लाइफ इस पेन के साथ जीते हैं कि नहीं मेरे साथ तो पार्शलिटी होनी है, मेरे साथ तो ये होना ही होना है, मेरे साथ तो हमेशा। उनके लिए जो रेफरेंस है जहाँ से वो एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं वही उनके लिए एक पेनफुल चीज हो गया है। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस इसके बच्चे को जन्म देने में एक बड़े कारक है। दूसरा कारक है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन, मदर फादर के बीच में टेंशन, वहां कम्युनिकेशन नेगेटिव है, कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्टिंग है। कोई भी परिवार हैप्पी फैमिली है कि पैथोलॉजिकल फैमिली, बीमार फैमिली है, बीमार इन द सेंस पैथोलॉजिकल, जहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग फैमिली है कि हैप्पी फैमिली है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां का इंटरेक्शन क्वालिटी क्या है, इंटरेक्शन लेवल क्या है, इंटरेक्शन पैटर्न क्या है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, वो उसको उसको ताने मार रहा है, वो उसको उसको बात कर रहा है, सब नेगेटिव बात कर रहे हैं, सब आर्गुमेंटेटिव कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, पूरा माहौल इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है वो बच्चों को, वो बड़ा बच्चों के लिए बड़ा पेनफुल पेनफुल है। और बच्चों की लाइफ में, उन बच्चों की लाइफ में मीन्स हम उनको बच्चों को एक एक तरीके से हमने बच्चों के लिए एक गलत मिसाल पेश कर दी है और उनके पास ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है कि वो अपनी, उनकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होने जा रही है। अगर माँ बाप की लाइफ मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब है तो इसका खतरा यहाँ तक हो सकता है, अगर उसको ढंग से हैंडल नहीं हुआ तो बच्चों की भी मैरिटल लाइफ खतरे में पड़ सकती है, मीन्स वो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत खराब हो जाएगी। पैथोलॉजिकल फैमिली एक एक बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ शराब दारू वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो जो जिस रूप में भी वायलेंस हो सकता है वो सब वायलेंस हो रहे हैं, या पेरेंट्स के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि डिवोर्स तक की नौमत आ गई है, इन इन ये भी एक तरीके से बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, पेनफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जो बच्चों की उड़ान को बहुत हद तक जब वो बड़े होते हैं तो वहाँ पर रोक देता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं बुलिंग। बुलिंग है चिढ़ाना, इंसल्ट करना, वो घर में हो चाहे स्कूल में हो, क्योंकि ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये दो इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर बच्चों की जिंदगी घूमती है, घर, घर से स्कूल, स्कूल, स्कूल से घर। अगर यहाँ बुलिंग हो रही है, यहाँ चढ़ाया जा रहा है किसी भी रूप में, वो फिजिकल अपियरेंस को लेके बुलिंग हो रही है, वो उसकी उसके हैबिट्स को लेके बुलिंग हो रही है, वो उसके उसकी परफॉर्मेंस को लेके बुलिंग हो रही है, जब भी बुलिंग हो रही है वो एक बच्चों को पेन देता है, स्ट्रेस दे देता है। बुलिंग सॉल्यूशन नहीं है। अगर बच्चे का कहीं परफॉर्मेंस को भी लेके बुलिंग कर रहे हैं तो अधिकांश गलती कहां पर होती है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत खराब है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये अच्छे बच्चों की लिस्ट। कभी कभी स्कूल्स में मैं अक्सर ऐसा देखता हूं कि अच्छे बच्चों की लिस्ट और गंदे बच्चों की लिस्ट, वो एक तरह के इमोशनल बुलिंग है, ये इंटेलेक्चुअल बुलिंग, वो परफॉर्मेंस के लेवल पर बुलिंग है, या हम बच्चा परफॉर्मेंस उसकी पुअर हो सकती है, उसका सॉल्यूशन बुलिंग नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन इस तरह से एक तरह के पार्शल बिहेवियर नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन होगा कि उसको हम क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, हम उसको रिमीडियल सेशन कैसे दे सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कैसे दे सकते हैं, उसकी हम लर्निंग को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं जिससे कि पोटेंशियल को ऑप्टिमम लेवल तक पहुँचा सके। तो ये बुलिंग भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पूरी पर्सनैलिटी में कि बच्चा इस सिंड्रोम के साथ, इस पेन के साथ हमेशा जी रहा होता है कि मैं बचपन में तो मेरे को तो पनिशमेंट मिलती थी, मेरे को ऐसा था, मैं वैसा था, टीचर्स नेवर प्रेज्ड मी, या मेरा माय पेरेंट्स नेवर प्रेज्ड मी, ये भी एक बड़ा बड़ा एक बुलिंग एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो और फैक्टर है, ये तीन फैक्टर तो ऐसे फैक्टर है जो शुरू में मैंने बताया, अब्यूज, नेग्लेक्ट और पार्शियलिटी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फैमिली लेवल पे ऐसा हो रहा है, स्कूल लेवल पे ऐसा हो रहा है तो इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, इसको हम तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा इश्यू है जो उसको भी हम चाहे तो तुरंत हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इवन बुलिंग की हैबिट को भी हैंडल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन उसका भी बहुत असर हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसमें नेगेटिव असर पड़ता है, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड एज में डेथ हो जाना और अनएक्सपेक्टेड टाइम पे डेथ हो जाना, कोई नेचुरल डिजास्टर है जिसमें कि बच्चों की लाइफ को थ्रेट पड़ जाता, बच्चों की सेफ्टी को थ्रेट पड़ जाता, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वाइल्ड फायर हो गई,
या कोई और चीज ऐसी चीज हो गई है जिसमें बच्चों की जिंदगी को एक एक खतरा, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है। वहाँ बच्चों को गलत ढंग से वहाँ हैंडल हो रहा होता, तो वो भी एक बड़ा बड़ा बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। या सीरियस इलनेस है, इंजरी है, वो भी, वो चाहे घर में कोई हो या वो बच्चों को खुद प्रॉब्लम हो, तो वो भी एक 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 ट्रॉमा सा एक बन जाता है। कम्युनिटी वायलेंस, कम्युनिटी वायलेंस में अगर बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी में बहुत खतरा है, बच्चों के जान की जान का खतरा हो गया बच्चे के उस पे, और उनकी सेफ्टी पे, उनकी उनकी इंडिविजुअलिटी पे अटैक हो गया, तो वो भी एक लाइफ लॉन्ग पेन है। एकेडमिक प्रेशर, ये जो चौथा चौथा जो पॉइंट है, एकेडमिक प्रेशर, ये एकेडमिक प्रेशर, अत्यधिक एकेडमिक प्रेशर किसी काम का नहीं है। ये बच्चों की सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट करता है, बच्चों का परफॉर्मेंस को खराब करता है। ये एक्सेसिव एक्सेसिव अनरीजनेबल पैथोलॉजिकल एकेडमिक प्रेशर, पैथोलॉजिकल, वो किसी यूज का नहीं रहता है। इसमें इसको लेके बुलिंग होती है स्कूल में या घर में भी हो सकती है, या एक ये बच्चे के अंदर फियर ऑफ फेलियर को पैदा कर देता है। और जब फियर ऑफ फेलियर होता है और फियर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, फियर ऑफ कहीं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो अगर मैं मेरे को कोई स्पीच देनी है, मैं नहीं दे पाया, तो असेंबली से बोलना है, नहीं दे पाया, तो मैं इस टेस्ट में अगर कोई क्लास मेरे को असेंबली से कोई क्वेश्चन पूछा गया, नहीं दे पाया, तो मैं अगर वहां पर, तो एक ये जो जो फियर है, वो जो डर है, वो डर इतना खतरनाक रोल प्ले करता है कि उस सदमे से, उस डर से बाहर निकलना ही एक एक बड़ी बड़ी आ, आ, बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है बच्चों के लिए, और इसका असर पूरी जिंदगी भर पड़ता है। तो अनवांटेड एकेडमिक प्रेशर, ये भी लाइफ को इनरिच नहीं कर रहा है, लाइफ को बेटर नहीं बना रहा, लाइफ को नेगेटिव बना रहा है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, बट उसके लिए और तरीके हैं। देर आर सम साइंटिफिक मेथड्स, साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, बच्चे का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। ये मैंने अपने लेवल पे भी करके देखा हुआ है, और जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जो भी लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों को अगर हम सिंपैथेटिकली हैंडल करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर बात इतनी है कि हमें एकेडमिक प्रेशर, अनवांटेड, अनरीजनेबल और पैथोलॉजिकली बिल्कुल ऐसे इतना इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर नहीं बनाना है कि वो बच्चों को फायदा करने के बजाय नुकसान करने लग जाए। देन पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज, ये एक पांचवा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट्स जहाँ जिस घर में नशा है, लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, गाली गलौज है, तो वहां पर भी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ये भी एक नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है। इसका असर लाइफ लॉन्ग पड़ता है, लाइफ लॉन्ग असर पड़ता है, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं अपने स्कूल में, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं अपने घर में, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हमारे हमारे लिए वही एक एसेट बन, वही चीज हमारे लिए एक हमारी हमारी वो एक अनुभव बन जाता है। उस वही अनुभव हमें आगे लाइफ के लिए ले जा रहा होगा। अगर वो नेगेटिव अनुभव है, तो वो हमारी लाइफ को नेगेटिवली ड्रिवन करता है। तो इसलिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का जो स्ट्रेसफुल है, पेनफुल है, जो अनवांटेड चीजें हैं जो चाइल्डहुड में, अगर वो रहेंगे, तो वो फ्यूचर लाइफ को हमारा डिस्टर्ब करेगा। देन फैमिली सेपरेशन, ऑफ कोर्स ये बहुत पेनफुल है। फैमिली सेपरेशन में कुछ भी हो सकता है कि पेरेंट जैसे फैमिली माइग्रेट कर गई, ऐसी जगह माइग्रेट कर गई जहाँ बच्चों को अपने दोस्त ही नहीं बन पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर गई कहीं पर, जो फ्रेंडशिप है, जो बच्चों की जो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेंडशिप डेवलप ही नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा स्कूल चेंज हो गए, इतनी ज़्यादा शहर चेंज हो गए, या इतनी जगह चेंज कर दी है कि बच्चे के रिलेशनशिप कहीं पर स्टेबली नहीं हो पा रहा अपने पीयर ग्रुप के साथ, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। जो जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से सोचना बहुत जरूरी है। एज अ टीचर हमने सोचना है, एज अ पेरेंट सोचना है, एज अ फैमिली सोचना है, और एज अ स्कूल इंस्टीट्यूशन हमें सोचना है कि वो क्या चीज़ है जो हमारे बच्चों के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव कर सकते हैं, स्ट्रेसफुल कर सकते हैं, और उसको एक तरह से ट्रॉमेटिक कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की उतनी उड़ान नहीं उड़ पाएंगे जितनी उड़ान के वो हकदार हैं, जितनी उड़ान के वो की उनकी क्षमता है, उतनी उड़ान नहीं उड़ पाए। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है, गलती हो गई है। ऐसी गलती न हो किसी भी तरीके से, तो पेरेंट्स और स्कूल इंट्रैक्शन करें,
उसमें डिस्कशन करें, कहीं पर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके एक हेल्दी तरीके से हम फॉलो करें, जिससे कि बच्चों का जो नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, हाँ, और हम अपने बच्चों को ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर सकें। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे हैप्पी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं या जो स्ट्रेसफुल चाइल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, इसका क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ता है, वो तीन सबसे बड़े इम्पैक्ट क्या है, क्या तीन सबसे बड़े नुकसान क्या है या तीन सबसे बड़े फायदे क्या हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।